हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और मैंने उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। आइए हम लोग उस सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा रहेगा कि जेड इक्वल टू टू माइनस आई इंटू वन प्लस आई बाई वन माइनस आई। सपोज कीजिए ऐसा टर्म दिया हुआ है और आपसे कहेगा कि इसका कंजुगेट बताओ, इसका मॉडुलस बताओ। तो कंजुगेट और मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बदलना पड़ेगा जो फॉर्म में नहीं है। मतलब फॉर्म का मतलब रियल प्लस इमेजिनरी, जिसके फॉर्म में ये सिस्टम अभी नहीं है। तो हम लोग इसको बदलने का प्रयास करते हैं। पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो होगा टू प्लस टू आई, नीचे वाले को माइनस आई स्क्वायर। इस तो वन माइनस आई है तो रहने दीजिए। अब देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होगा, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होगा। तो आप जब इसको डालोगे माइनस वन, तो ये माइनस साइन पहले से लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। थ्री प्लस आई, ऊपर में मेरा मिलेगा थ्री प्लस आई बाई वन माइनस आई। अब हम बताए थे कि यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन वाले सिस्टम पे आ गया, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो होगा वन प्लस आई और ये वन प्लस आई। तो ऊपर वाले सिस्टम से मेरा हो जाएगा थ्री प्लस थ्री आई प्लस आई स्क्वायर बाई वन माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये तीन में से एक चला जाएगा, टू होगा। तो टू प्लस फोर आई बाई टू, ऊपर नीचे टू लेके हम लोग कॉमन लेके कैंसिलेशन कर लेंगे। ये टू कॉमन लेके काट लीजिएगा तो वन प्लस टू आई। अब मेरे पास जेड इक्वल टू आ गया वन प्लस टू आई। अब हमसे पूछेगा कि इसका कंजुगेट बताओ। तो कंजुगेट में मैंने पढ़ाया है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है, तो जेड बार इक्वल टू वन माइनस टू आई कर लीजिएगा। मॉड जेड इक्वल टू कहेगा तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका फाइव। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग बता देंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इस पे हम लोग बात करते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाई वन एंड जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू विल बी इक्वल इफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड टू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू। यानी कहने का मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तभी हो सकता है जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, अन्यथा इक्वल होने की कोई संभावना नहीं। अब कभी 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 क्या करेगा, क्वेश्चन से जब इससे पूछेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कर देगा और कुछ अननोन्स दे देंगे जिनका मान निकालना होगा। जैसे क्या हो सकता है उस पर हम लोग बात करें। जैसे सपोज कीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन इक्वल टू ए प्लस आई बी और जेड टू इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, कहेगा कि इफ़
जेड वन इक्वल टू जेड टू फाइंड ए एंड बी। तो आप क्या कीजिएगा, जेड वन इक्वल टू जेड टू है यानी ए प्लस आई बी इक्वल टू टू प्लस थ्री आई है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब पहले का रियल दूसरे के रियल के बराबर और पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी के बराबर होना चाहिए, यानी कि ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू थ्री। इस तरह से करके हम लोग वर्क कर सकते हैं और यही मेरा आंसर होगा। कभी कभी ऐसा नहीं देगा, इस तरह से दे सकता है, जैसे लिख देगा ए प्लस बी आई इक्वल टू वन प्लस आई इंटू थ्री माइनस टू आई, और तब कहेगा ए और बी का मान बताओ। तो हमको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में यह कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, लेकिन राइट हैंड साइड में मेरा कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म नहीं है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बदल के या फिर इक्वेट करना होगा, लिखना होगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है तो दोनों के रियल और दोनों के इमेजिनरी पार्ट सेम होते हैं। तो पहले क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होगा थ्री प्लस थ्री आई माइनस टू आई माइनस टू आई स्क्वायर, ये होगा मेरा आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये हो जाएगा फाइव प्लस आई। अब ए प्लस आई बी इक्वल टू फाइव प्लस आई, तो रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो बराबर करेंगे तो क्या होगा ए इक्वल टू फाइव बी इक्वल टू वन, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग को अप्रोच करना है इक्वलिटी से। कुछ और क्वेश्चंस बात करते हैं। जैसे लिख दिया है वन माइनस आई बाय वन प्लस आई पे पावर वन हंड्रेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। सपोज कीजिए क्वेश्चन दे दिया, हमसे कहता है ए और बी का मान बताओ। तो सबसे पहला कि आपको इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बदलना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म नहीं है तो हम देखेंगे कि ये डिवाइड में है, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, वन माइनस आई को वन प्लस आई इंटू वन माइनस आई इंटू वन माइनस आई पे पावर वन हंड्रेड इक्वल टू ए प्लस आई भी लिख दीजिए। अब देखिए ऊपर में हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो होगा वन माइनस आई का होल स्क्वायर बाई वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर पे पावर 100 इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब देखिए इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस टू आई बाई आई स्क्वायर को माइनस वन बोलते हैं तो 2 हो जाएगा पावर 100 इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब क्या कीजिए, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल है, 2 से 2 तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस आई पे पावर 100 इक्वल टू ए प्लस आई बी, यानी कि माइनस वन पे पावर 100 इंटू आई पे पावर 100 इक्वल टू ए प्लस आई बी। अच्छा माइनस वन पे पावर कुछ भी रहेगा इवन तो प्लस होगा, वन ही होगा, और आई का पावर एक सभी वन होता है क्योंकि चार से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने एक नियम बताया था पहले क्लास में कि आई के पावर को चार से भाग करो, अगर पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो उसका मान वन लिखना, तो ये हो जाएगा। अब रियल और इमेजिनरी को इक्विट कीजिए, तो यहाँ पर तो इमेजिनरी है नहीं, तो आप इसको लिख दीजिए वन प्लस जीरो आई इक्वल टू ए प्लस आई बी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू जीरो, ऐसे हम लोग आंसर लिख सकते हैं। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन रहें तो हम लोग इस तरह से वर्क करते हैं। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस आई वाई इंटू थ्री प्लस फाइव आई इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर आई, कहता है x और y का मान बताएं, ठीक है। तो हम लोग कैसे वर्क कर पाएंगे सो देखते हैं।
तो हम लोगों को क्या करना है, पहले तो ये कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म दिया है, ये नहीं है तो इसको बदल दीजिए कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। क्या होगा, 3x माइनस 3iy प्लस 5xi माइनस 5i स्क्वायर वाई। तीन को इससे ठीक है, फिर x को इससे और फिर माइनस आई, ठीक है। ये होगा मेरा माइनस 6 प्लस 24i। फिर हम लोग बात कर लेंगे, आई स्क्वायर मेरा माइनस 1 होता है तो प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 5y प्लस आई 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i। और रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर लेते हैं तो हमारे पास होगा 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6 और 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। अब तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और इसको हम इजली वे में सोल्व करके एक सर्वाई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग वर्क कर लेंगे। जैसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, लिखा हुआ है जेड इक्वल टू 2 माइनस 3i, कहता है प्रूव दैट जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0 एंड 4z क्यू माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169 इक्वल टू 0। आइए हम लोग किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस पे अप्रोच करते हैं, उस पर पहले अप्रोचिंग देखेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो जो गिवन है वहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं, और करते क्या हैं कि जो गिवन है उसमें रियल वाले को एक तरफ लिख लेते हैं। इसमें दो को टर्म है, एक रियल है एक इमेजिनरी है, तो रियल वाले को इस तरफ लेके और स्क्वायर करके एक इक्वेशन डेवलप करते हैं। उसके पीछे मेरा मकसद ये है कि हमको ऐसा टर्म डेवलप करना है इसमें जेड है, कोई भी आई नहीं दिख रहा है। तो ऐसे तो आप जेड का मान डाल के इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे कि हमारे पास ये इस तरह का सिस्टम आसानी से अवेलेबल हो जाए, आसानी से हम सिस्टम को प्रूफ कर सकें। तो पहले क्या करना है कि इस टर्म को ले लेना है, जेड इक्वल टू 2 माइनस 3i ले लेना है, रियल को एक तरफ कर लेना है यानी जेड माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3i कर लेना है। अब अगला बात, मैंने कहा था कि i वाले टर्म को एक तरफ और बिना i वाले एक तरफ लेके स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, ये मेरा हो जाएगा जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3i का होल स्क्वायर। ये होगा जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इक्वल टू 9i स्क्वायर, ठीक है। सारे क्वेश्चन में जब इस टाइप का दे तो हम लोग को इसी तरीके से सोचना है। याद रखना है कि जो इक्वेशन डेवलप करना है उसमें इरेशनल टर्म और i नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को हमको केयर करते हुए वर्क करना है कि इस तरह के सिस्टम से इरेशनल भी हट जाए, मतलब रूट टू रूट थ्री टाइप का नहीं रहना चाहिए ताकि हमको भाग देने में असुविधा होगी, और आई वाला टर्म भी नहीं रहना चाहिए, तो उसको रिमूव करने का प्रयास करना है। तो ये हो जाएगा मेरा जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 और 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि होगा जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0। यही मेरा प्रूफ करना था, देखिए आपने प्रूफ कर लिया। तो इस टाइप के जब भी रहते हैं तो हमको ये मेथड बहुत सूटेबल है और बहुत ईजिली वे में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये प्रूफ हो गया, अगला कैसे प्रूफ करना है तो आइए हम लोग अगले प्रूफ की ओर मूव करते हैं। अब हमने ये साबित कर लिया कि जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0 है, ये मैंने प्रूफ कर लिया। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि जो मैंने साबित किया उससे इसको डिवाइड करना है, उसका भी बेनिफिट हमको पता चलेगा। क्या करें कि हम लोग जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 को से
फोर जेड क्यू माइनस थ्री जेड स्क्वायर प्लस 169 को डिवाइड करना। करिए डिवाइड। डिवाइड करने के लिए हम लोग पहला टर्म को कैंसिलेशन करना है, फोर जेड से करेंगे तो ये मेरे पास सिस्टम हो जाएगा फोर जेड क्यू माइनस 16 जेड स्क्वायर प्लस 30 जेड। सब्सट्रैक्ट करिए माइनस प्लस और यहाँ माइनस, ये कट गया। ये 16 में से 3 चला जाएगा तो यह आ जाएगा 13 जेड स्क्वायर माइनस 13 जेड प्लस 169। ऐसा टर्म डेवलप हो जाएगा। अब क्या करें, 13 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, एक मिनट। 3 जेड स्क्वायर माइनस 169 फोर जेड, ओके। यहाँ पर हमारे पास ये तो टर्म कैंसिल होने ही चाहिए, थर्टीन जेड प्लस 169 है। तो अगर हम लोग यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा मेरे पास 13 जेड स्क्वायर ठीक है, और यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 52 माइनस 52 जेड प्लस 169, जो भी वैल्यू आएंगे ठीक है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस, ये टर्म कैंसिल है, ये टर्म कैंसिल है, 39 जेड आएंगे। हमारे पास जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें हमारे पास कैंसिलेशन होने चाहिए ठीक है, अगर आया है तो यही होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं फोर जेड क्यू माइनस थ्री जेड स्क्वायर प्लस 169 इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस 13 इंटू दिस फोर जेड प्लस 13 प्लस 39 जेड। इसका मान हमारा जीरो हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं, तो वहाँ से इस वैल्यू को डालिएगा तो होगा जीरो इंटू फोर जेड प्लस 13 प्लस 39 जेड। ये तो मेरा जीरो हो गया, यानी कि 39 जेड मेरे पास वैल्यू आएगा और जेड का जो मान है वो डाल के हम लोग लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को इसी तरह से अप्रोच करने हैं, बनाने हैं। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अगले क्लास में हम लोग इसकी आगे की बात करेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।